हम सभी ने बचपन से एक चीज सुना है कि गुड़ गन्ने से तैयार होता है, लेकिन इस चीज को गलत साबित कर दिया भागलपुर की रहने वाली एक महिला ने। गन्ने से नहीं बल्कि आम से गुड़ को तैयार कर, जी हां, बात कर रहे हैं भागलपुर के सबौर प्रखंड के खनकित्ता की रहने वाली स्वर्ण संध्या भारती की। स्वर्ण संध्या भारती, इसने अपने पैर पर खड़ा होने का जिद्द ठाना और इसको लेकर कई तरह की चीजों को बनाने लगे। कभी आम से जैम, चाशनी व अमोठ बनाया करती थी, लेकिन मन में आया कि जब चाशनी बनाई जा सकती है तो इससे गुड़ भी तैयार हो सकता है। एक दिन ट्राई किया और आम का गुड़ बना दिया। उन्होंने बताया कि उसी चाशनी को जब ज्यादा देर तक खौलाया, उसके बाद इसको जमाया तो गुड़ तैयार हो गया। तैयार गुड़ जब पहली बार भागलपुर के कृषि भवन में किसान मेले का आयोजन हुआ तो प्रदर्शनी में मैं वह गुड़ लेकर गई। जब लोगों को पता चला कि यह आम का गुड़ है तो इस दौरान सारे गुड़ बिक गए। लेकिन शुरुआत में मेरे लिए एक नया उत्पाद था तो मैं कम प्रोडक्ट बनाई थी, लेकिन जब इसके डिमांड को देखा तो और भी बनाने की सोची, तभी से ज्यादा उत्पादन करने लगी। अब जिन जिन लोगों को पता चलता है वह लोग जरूर आम का गुड़ लेने पहुंचते हैं। साथ ही जिन लोगों ने एक बार इसका स्वाद चखा है वह गन्ने के गुड़ को भूलकर आम के गुड़ का ही स्वाद ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि मैं जहां भी प्रदर्शनी में जाती हूं इसको देखकर लोग अचंभित हो जाते हैं, लेकिन जब ट्राई के लिए अपने घर ले जाते हैं तो पुनः दोबारा इसे खरीदने के लिए मेरे स्टॉल पर जरूर पहुंचते हैं। स्वर्ण संध्या भारती ने बताया कि मैं अभी तक कई जगहों पर स्टॉल लगा चुकी हूं, लोग वहां से नंबर लेकर भी संपर्क करते हैं और उसको गुड़ दिया जाता है। कैसे सोचे कि बांस से जो है ये आम से जो है वो बनाया जाए गुड़ बनाया जाए? हम पहले जो है ना आम से जैम बनाते थे, जैम, जेली, वो स्क्वाश, ये सब आम से बनाते थे, गुदा निकाल के बनाते थे। उसमें जब हम देखे कि नहीं आम का गुड़ भी तैयार हो सकता है, चाहे गीला बनाए या सूखा बनाए वो तैयार हो सकता है, तो हम सबसे पहले थोड़ा सा बनाए थे। हम सोचे क्या देखें तो खराब तो नहीं होगा, ये भी तो डर रहता है कि कुछ दिन रख के खराब तो नहीं होगा। लेकिन जब हम 5 किलो गुड़ बनाए तो वो खराब नहीं हुआ, और जब मैंने स्टॉल में रखे, आत्मा में जब स्टॉल लगाए थे, मैंने स्टॉल में रखे तो क्या विधायक जी, डीएम सर सब थे, वो बहुत खुश हुए, बोले कि नहीं ये बहुत अच्छा है, स्वाद भी बहुत अच्छा है। उसके बाद आगे साल से मैं बहुत ज्यादा गुड़ बनाने लगे। नहीं, हम नहीं कभी नहीं सुने थे, हम अपने दिमाग से, जैसे नहीं होता कि वैज्ञानिक कुछ रिसर्च करते हैं तो किसान जो होता है एक वैज्ञानिक ही होता है, तो इसीलिए हम लोग भी सोचते हैं कि क्या नया करें जो कि हम लोग का ज्यादा बिके, तो उसमें तो हम लोग नया करने के लिए सोचते हैं तो नया करते हैं। अभी कैसा डिमांड है उसका गुड़ का? गुड़ का बहुत ज्यादा डिमांड है, जो भी सुनते हैं वो गुड़ मांगते हैं। स्टॉल लगाए थे तो सुने आप लोग बेच नहीं पाए था? हाँ, स्टॉल लगाए थे तो उसमें जब न्यूज में आया तो बहुत दूर दूर से आदमी आने लगे कि हमको भी गुड़ चाहिए, हमको भी गुड़ चाहिए, लेकिन जितना रहेगा उतना ही बस, बहुत कम उस समय बहुत गुड़ कम बनाए थे। आगे मशरूम दीदी बनाएगी गुड़? अब हाँ, गुड़ बनाएंगे, बहुत ज्यादा गुड़ बनाएंगे, क्विंटल 2 क्विंटल भी बनाएंगे। क्या है कि कृषि विज्ञान केंद्र में जो मेला लगा था उसमें भी गुड़ जो रखे थे, प्रदर्शनी में गुड़ रखे थे, तो आम का जो प्रदर्शनी लगता है उसमें आम का जो गुड़ रखे थे, वहाँ पर भीसी सर जो थे, सोहाने सर थे और सब सर थे, तो उसमें प्रशंसनीय की बात हुई कि नहीं एक नया चीज आइटम आया है आम का गुड़, और उसमें बहुत अच्छा स्वाद है। मेरा नाम स्वर्ण संध्या भारती, भागलपुर जिला सबौर प्रखंड खनकित्ता गांव।